नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। चीन की हिमाकत तो देखिए कि एक बार फिर 5 मई वाली घटना को दोहराने की कोशिश की जब उसने गलवान घाटी में चोरों की तरह घुसपैठ की थी, लेकिन 29 अगस्त की रात उसकी शामत आई थी जो उसके 200 जवान पैंगोंग सो के पास घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के पराक्रमी वीरों ने उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद दुनिया में ड्रैगन की सेना की धज्जियां उड़ रही हैं। लद्दाख में चीन अब बुरी तरीके से घिर चुका है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन की सभी साजिशें नाकामयाब हो रही है। 14 जून को लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद अब पैंगोंग झील इलाके में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। मामला 29 अगस्त की रात का है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिक घुसपैठ के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। ड्रैगन की आर्मी के 500 से अधिक सैनिक टैंकों के साथ भारतीय सीमा में घुसपैठ करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी ये कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। भारतीय जांबाजों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीनी सेना की टुकड़ी दुम दबा कर भाग खड़ी हुई। चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही भारत के जवानों ने चीनी वाले ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने इस पोस्ट पर मौजूद चीनी सेना के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों को भी उखाड़ फेंका है। भारत की इस कार्रवाई से चीन अब बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ हमले की गीदड़ भभकी दे डाली है। वामपंथी देश चीन में मीडिया कुछ और नहीं बल्कि सरकार का मुखपत्र होता है। यहाँ जो भी अखबार या टेलीविजन में प्रसारण होता है उसका मतलब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की सहमति होती है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु चीन ने चीनी पोस्ट पर भारतीय कब्जा होने के बाद ट्वीट कर युद्ध की धमकी दे डाली है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में लिखा है कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि नई दिल्ली शक्तिशाली चीन का सामना कर रही है। पीएलए यानी चीनी सेना के पास उसके देश के हर इंच की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त बल है। चीनी लोगों ने अपनी सरकार को समर्थन दिया है जो भारत को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो चीन के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की अनुमति भी नहीं देता है। दक्षिण पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में चीन रणनीतिक रूप से दृढ़ मजबूत है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। यदि भारत शांति में रहना चाहता है तो इसका स्वागत चीन करता है। यदि भारत प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन के पास भारत की तुलना में अधिक उपकरण और क्षमता है। यदि भारत सैन्य प्रदर्शन मतलब सीमा पर सैनिकों को खुली छूट करना चाहता है तो चीनी सेना भारतीय सेना को 1962 की तुलना में अधिक गंभीर नुकसान करवाने के लिए बाध्य है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के गीदड़ भपकी चीनी मीडिया अक्सर देती रहती है, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं कि अब वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। 2020 ना तो 1962 है और ना ही आज का भारत तब के जैसा है। ये 2020 का नया भारत है। तब के भारतीय नेतृत्व और आज के भारतीय नेतृत्व में बहुत अंतर है। चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन क्षमता किसमें कितनी है ये गलवान से लेकर 29 अगस्त की रात को पैंगोंग सो में घटनाक्रम से पूरी दुनिया ने समझ चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।